coming to the next lecture is of market orientation या field orientation. ठीक है, orientation का मतलब क्या होता है? पहली बात तो market का मतलब तो पता ही है, market जो area, field means जो area. orientation means उसके इर्द गिर्द घूमने वाली, means सारा focus market की तरफ. ठीक है, market orientation का थोड़ा सा brief करता हूँ. आज की डेट में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी. हम एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, हमने कोशिश किया कि हमारे प्रोडक्ट कस्टमर्स लें. ठीक है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया. पहले क्या था, पहले फिनोमिना वॉज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में क्या था कि हमने प्रोडक्ट बना लिया तो हम क्या करते थे, आर एंटायर फोकस इज अपने प्रोडक्ट को प्लेस करें, मीन्स अलग अलग जगह पे रखें, प्रमोशन करें ताकि लोग उसे खरीदें. मींस प्रोडक्ट बना लिया, अब लोगों को अवेलेबल करवा दिया अच्छी प्रमोशन करके, अच्छी प्लेसमेंट करके. जो हमने फोर पीस ऑफ किए थे, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग किए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है, प्रोडक्ट बना के हमने उसे प्रमोशन और प्लेसमेंट के लिए अच्छा कर दिया ताकि लोग हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लें. बट लेटर ऑन क्या हुआ कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, सभी ने फोर पीस करने शुरू कर दिए, तो फोकस जो था वो प्रोडक्ट्स ओरिएंटेशन से हटके चला गया मार्केट ओरिएंटेशन. इस पैराग्राफ में भी यही लिखा है. अगर आप देखोगे मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, एक फिलॉसफी है. ठीक है, किस चीज की फिलॉसफी है, कि डिस्कवर करना है और मीट करना है कस्टमर की नीड्स को. मींस अब प्रोडक्ट बना के नहीं बेचना, अब प्रोडक्ट ही बनाना है जो कस्टमर की नीड के हिसाब से है. ठीक है, मींस प्रोडक्ट बना के लोगों को अवेयर नहीं करना कि हाँ जी सर ये मेरा प्रोडक्ट है अब आप यूज करो, इसके ये यूसेज है. ठीक है ना, आपने पहले तो क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया उसके यूसेज आए ना, आप इसके साथ ये काम कर सकते हो. नहीं, अब हमने ये बताना शुरू किया कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये नीड है, इसको सॉल्व हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से करता है. सो मार्केट ओरिएंटेशन की है कि असी मार्केट नू देखते हुए, मीन्स मार्केट विच कस्टमर्स को देखते हुए हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है. लास्ट लाइन यहाँ पे पढ़ोगे तो मार्केट ओरिएंटेशन वर्क्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द पास्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. फील्ड ओरिएंटेशन क्या करती थी, फोकस कहाँ पे था, कि जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके ज्यादा से ज्यादा सेलिंग पॉइंट बनाए गए, मीन्स दुकानें ज्यादा से ज्यादा खोल के लोगों को अवेयर करवाया जाए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है. बट क्योंकि कंपटीशन आया, मैंने पहले ही बताया था, तो सभी ने यही करना शुरू कर दिया, तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि मार्केट ओरिएंटेशन आ गया जिस अप्रोच में वर्ड लिखा हुआ है टेलर. टेलर का मतलब क्या होता है, जो कपड़े बनाता है. यहाँ पे टेलर का मतलब कपड़े बनाना नहीं है, यहाँ पे टेलर का मतलब है कि कस्टमर के हिसाब से टेलर मेड थिंग्स बनाना. ठीक है, टेलर में टेलर क्या करता है, हर एक का नाप अलग होता है तो अलग शर्ट बनाता है ना. ठीक है ना, तो टेलर मेड प्रोडक्ट्स बना के, ठीक है ना, यहाँ पे टेलर का मतलब ये है कि कस्टमर के प्रोडक्ट्स. सो मार्केट ओरिएंटेशन का फोकस जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फिल करते हुए प्रोडक्ट बनाना. ठीक है ना, आज की आप डेट में देखोगे कई लोग ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में कि वो ये कहते हैं कि आप, जैसे हमारा बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है जो हमारा मॉब आता है, मॉब मीन्स पोचा. ठीक है, पहले पोचा कैसे लगता था, हाथ से बैठ बैठ के. तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आप अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वो यही दिखाते हैं कि अब आपको झुकना नहीं पड़ेगा, हाथ गंदे नहीं होंगे, दूर दूर तक रीच हो जाएगी आपकी, दूर दूर तक पोचा लग जाएगा. तो वो क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम देखते हुए टेलर मेड एक प्रोडक्ट बनाया गया. तो मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब यही है. अगर आपको पूछा जाता है मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में क्या फर्क है, तो मार्केट ओरिएंटेशन मींस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एज पर द
रिक्वायरमेंट और नीड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या है कि प्रोडक्ट बना के उसको ज्यादा से ज्यादा हमने किया था सेलिंग पॉइंट उसके बनाना। क्लियर है ये चीज? तो एडवांटेजेस क्या है? पहली एडवांटेज, कस्टमर की नीड मोर इफेक्टिवली, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनाया, लोगों की जरूरत देख के नहीं बनाया, जनरलाइज जरूरत देख के हमने बना दिया। जब हम मार्केट की नीड समझते हुए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर की नीड ज्यादा हो रही है। अब आप देखोगे हर एरिया की मार्केट की अपनी अलग अलग नीड होती है। साउथ की नीड अलग होगी, नॉर्थ की नीड अलग होगी, पंजाब की नीड अलग होगी। अगर अलग स्टेट्स की बात करें तो अगर हरियाणा की नीड अलग होगी, राजस्थान की नीड अलग होगी किसी प्रोडक्ट को लेके। तो हमने कस्टमर की नीड को देख के जब प्रोडक्ट बनाया तो ऑब्वियसली क्या है, उसमें कस्टमर की नीड ज्यादा इफेक्टिवली फुलफिल हो रही है। ऐसा ही हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। सेकंड क्या है, अवॉइड स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स। अब स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स क्या है? मैंने प्रोडक्ट बना लिया और मार्केटिंग करनी शुरू कर दी, मार्केटिंग उस एरिया में करनी शुरू कर दी जहां की लोगों की नीड मेरा प्रोडक्ट फुलफिल नहीं करता, तो मेरा मार्केटिंग करने का फायदा हुआ कुछ? एडवर्टाइजिंग करने का फायदा हुआ कुछ? मैंने ब्रोशर्स निकाल दिए, रोड शोज कर दिए, इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिए, जब लोगों की नीड फुलफिल नहीं हो रही तो मेरा एडवर्टाइजिंग करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा जितना मार्केटिंग का बजट था वो सारा वेस्ट हो गया। किस चीज में वेस्ट हो गया? ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो लोगों की नीड फुलफिल नहीं करता। तो ऐसी मिस्टेक से ज्यादा बेटर क्या है, उस एरिया में उस जैसा प्रोडक्ट ही मार्केट किया जाए तो मेरी वेस्टेज नहीं होगी ना। मेरा मार्केटिंग कैंपेन, जो मेरी एडवर्टाइजिंग या जो मेरा प्रमोशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सेकेंड इज, जो मिस्टेक्स हैं, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, वो अवॉइड होंगे। थर्ड इज, अनकवर अपॉर्चुनिटीज बिफोर कंपिटिटर। इससे पहले कि कंपिटिटर को उस एडवांटेज का पता लगे, किस एडवांटेज का, कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है और ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करके दिया जाए, तो बिफोर कंपिटिटर करे मैं उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस अपॉर्चुनिटी को लेके प्रोडक्ट ले आऊं तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा ना, ठीक है। आज की डेट में क्या हुआ, कोरोना हो गया, COVID-19 आया, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या थी, सैनिटाइजर आए फटाफट, मास्क आए फटाफट, ग्लव्स आए फटाफट, ये रिक्वायरमेंट थी। तो जिस इंडस्ट्री ने पहले ही इसे फोकस कर लिया और अपना प्रोडक्ट मार्केट में रख दिया तो पहले उसी का बिकना शुरू होगा। अगर आप देखोगे तो आज की डेट में जितने सैनिटाइजर हैं, पहले इतने सैनिटाइजर नहीं आ रहे थे, ठीक है। एक बार तो बीच में सैनिटाइजर मार्केट में मिलने ही बंद हो गए थे, डिटॉल के, दूसरों के सैनिटाइजर मिलते ही नहीं थे मार्केट में। तो क्या हुआ कि बिफोर कंपिटिटर देखे, अगर मैं अपना प्रोडक्ट टेलर मेड ले आऊं कस्टमर की नीड के हिसाब से तो मेरे पास ही अपॉर्चुनिटी है, मेरा फायदा। हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब अगर मेरा प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी राधर किसी और की हो, ठीक है। तो मार्केट ओरिएंटेशन में ज्यादा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो रही है कि प्रोडक्ट में हो रही है, मार्केट ओरिएंटेशन। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन वर्सेस प्रोडक्ट ओरिएंटेशन समझ लग गया? एनी डाउट्स? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन फोकस ऑन प्रोडक्ट्स एंड इट्स सेलिंग पॉइंट्स। मार्केट ओरिएंटेशन फोकस ऑन द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली द प्रोडक्ट्स। क्लियर? थैंक यू। धन्यवाद।